मैं जनता के पास जाऊंगा, मेरे साथ मलखान जी मौजूद हैं। मलखान जी, इस बार आप दोनों साथ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मैदान में आ गई, लेकिन बीजेपी कहती है कि आप लोग जो हैं महिलाओं का मंगल सूत्र छीनने का काम कर रहे हैं, ऐसा घोषणा पत्र लेकर आए हैं। मंगल सूत्र तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी पत्नी का छीन लिया ना, उससे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको बात करनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए, मंगल सूत्र पे बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपके घोषणा पत्र में ऐसा कुछ है कि नहीं है? मेरे घोषणा पत्र में ऐसा क्या है? कोई भी ऐसा घोषणा पत्र में ऐसा नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने कहा है, इन्होंने ये कहा है कि हम महिलाओं के जो अतिरिक्त जिनके पास जो संपत्ति पैतृक विरासत की संपत्ति है उसको सरकार जब्त करेगी और उसके बाद वो संपत्ति को अल्पसंख्यकों में बांटेगी। इनके प्रधानमंत्री का यह बयान था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, शायद भारतीय जनता पार्टी ने यह अच्छे से घोषणा पत्र नहीं पढ़ा है। ये लोग झूठ पुलवामा के, हम लोग ठीक है, एक बार जनता के पास एक मिनट, मलखान जी एक मिनट, आपने झूठ बोलने वाले, सुनिए मेरी बात, जिन्होंने भ्रष्टाचार के लिए, मलखान जी आपके पास मैं आऊंगा एक बार, आप ही के लोग हैं, समर्थक लोग हैं, उनसे पूछ लेता हूँ, एक मिनट एक एक करके सबके पास आऊंगा मैं। जमीन आसमान और पाताल तक भ्रष्टाचार जिस कांग्रेस ने किया वो तो कम से कम ना बोले इस विषय पे। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि बेरोजगारी, इससे पहले मैं तो शर्मा मुख्यमंत्री बनाएंगे, अरे ये तो तहसील देते उससे पहले 14 से पहले अजीत पवार, इससे पहले तो मुख्यमंत्री बनाएंगे, कुछ नहीं है। नौजवान बेरोजगार सब लोग स्वच्छ है, ठीक है, और देश के युवाओं पे पूरा तैयारी है, मोदी जी के पक्ष में है। हाँ, मेरा नाम रजत चौधरी है, मैं कांग्रेस के सवाल मेरा ये है कि अभी इनके बड़े नेता जो इनका पार्टी पूरी चलाते हैं, उन्होंने ही बयान दिया है कि जो महिला और जो संपत्ति डाइवर्ट होती है, इन्हीं का भी बड़े बड़े अखबारों में छपा है, आप इनसे पूछिए, उन्होंने नहीं कहा कि वो। ठीक है, मैं इमरान जी के पास एक बार जा रहा हूँ, फिर मैं कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं, और मैं चाहूंगा थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, ठीक है इमरान, एक मिनट भाई साहब, हाँ आराम से, 400 पार कर दीजिए, अब की बार 400 पार का नारा है माननीय मोदी जी का, और 100% बार 400 पार करेंगे। यहाँ पे देखिए टाइम से सिंचाई मिल जाए, टाइम जितने भी लोग खड़े, दो चीजें चाहिए, टाइम से सिंचाई चाहिए, बच्चा पढ़ जाए तो नौकरी चाहिए, ये दोनों चीज भी इन्होंने 10 साल में नहीं दी। सबसे बड़ा झूठ, और जो भी विकास दिख रहा है आपको, ये अंबानी नेताजी के, अलीगढ़ से लेके कानपुर से यहाँ तक, यहाँ खिड़की दरवाजे, ये जो पानी भी दिख रहा है ये नेताजी की देन है। ठीक है, अच्छा मैं एक बार आपके पास आ रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी कहाँ पर है? मैं चाहूंगा सब शांत हो जाइए, बहुजन समाज पार्टी चुनाव में कहाँ खड़ी हुई है? बहुजन समाज पार्टी इटावा में बहुत दमदारी से चुनाव लड़ रही है, और यहाँ पर शांत हो जाइए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री काशी राम ने यहीं से सांसद बने थे, बिल्कुल, उसके बाद अब वो सीट बसपा के लिए खाली थी, इस बार वो बसपा सीट भरेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड चंदा खाने वाले, ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का चंदा खाने वाले क्या चुनाव लड़ेंगे? ये 50% के, वो 10% के, ये 5% के, एक बात बताइए, सब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का चंदा खाने वाले लोग हैं। एक एक आपके नेता का, आपके नेता पैसा, कोई ऐसा कोई सबूत हो, कोई ऐसा सबूत है तो बताए ना, तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का चंदा खाने वाले भाजपा 50% का चंदा खा चुकी है, अकेले भाजपा, एक तरफ भाजपा खड़ी है, एक तरफ सारे दल, बस माना एक रुपया चंदा खाया हो, एक रुपया चंदा खाया हो, राजनीति छोड़ दे, आपने चंदा खाया तो आप राजनीति छोड़ दे। सुनिए, एक एक करके बोलेंगे तो आवाज आएगी, आप शोर ना मचाएं, मैं जनता के पास आऊंगा, चंदा खाने वाले के राजनीति छोड़ने को तैयार है, मेरा ये कहना है, जवाब दे रहे हैं, मेरा इसके बाद राजीव जी आपके पास, चंदा का पहली बार कानूनन एक कानूनी जामा पहनाया भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने, और इलेक्टोरल बॉन्ड सबके पूरी वेबसाइट पे पड़े, सब लोग देख सकते हैं, उसमें सर्वाधिक चंदा अगर किसी कम पार्टी के सांसद है तो कांग्रेस के हिस्से में सबसे ज्यादा चंदा। ठीक है, मैं ये, अरे सबसे ज्यादा चंदा तो भाजपा ने खाया, एक तरफ भाजपा, बसपा ने एक रुपया नहीं खाया है, बसपा ने एक रुपया नहीं खाया है। एक मिनट, इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दा है आप लोगों के लिए, बताइए कौन कौन से मुद्दे हैं? कोई मुद्दा नहीं है, राष्ट्रवाद मेरा मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा मेरा मुद्दा है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने विदाई प्रक्रिया में नारियों के जो उनका योगदान हो, इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि 2029 में 33% महिलाएं लोकसभा में विदाई प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगी। दूसरी बात, ये लोग कहते थे रामलला काल्पनिक है, ठीक है, रामलला कोई अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस वाले कहते थे कि अगर रामलला
का मार्ग प्रशस्त होता है मंदिर का, तो इससे बीजेपी वालों को फायदा होगा। तो ये सब क्या है जिसमें भारत की गौरव संस्कृति गौरव। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, थोड़ा सा पीछे हो जाइए भाई साहब, ये जो धरती है काफी पौराणिक धरती है। एक मिनट बीच में ना बोले कोई, एक एक करके मैं सबके पास आऊंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा तिवारी। जी पूजा जी, क्या मुद्दे हैं आपके? मेरा तो यही मुद्दा है, देखिए कि जब से मैंने अपने छोटेपन से देखा है कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा सबसे पहले गुंडागर्दी होती है, क्योंकि इसमें राम राज्य में गुंडागर्दी सुधरी है। इसमें हम बताएंगे समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी किस तरीके से होती है। इस वजह से हमें ये अच्छी लगती है बीजेपी कि इसमें गुंडागर्दी नहीं बिल्कुल खत्म होगी। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे सर? अब ये जानना चाहते हैं, आप लोग कहते हैं मंगलसूत्र बचाना, जब 75,000 सोना हो गया तो मंगलसूत्र बनेगा किसका? ठीक है, शिवकांत जी के पास एक मिनट। मैं एक सवाल और लूंगा, इसके बाद राजीव जी आपके पास आ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ भाई साहब मैं मेरे सवाल बताइए, आपका क्या है? सवाल है, माननीय मुलायम सिंह जी जीवन भर हनुमान जी की पूजा करते रहे, भगवान राम का मंदिर बना, बजरंग बली जी के इष्ट हैं भगवान राम, ये दोनों पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं और इनके बड़े बड़े मुखिया क्यों भगवान राम के दर्शन नहीं कर रहे? एक सवाल। दूसरा, कोई चाहे हम जैसे मान लीजिए ब्राह्मण जाति के हैं, अगर हम मन भी बनाएं इन्हें किसी प्रकार से वोट देने का, तो ये तो बात सिर्फ पीडीए की करते हैं। ठीक है, पीडीए राजीव जी जवाब दीजिए, दर्शन करने क्यों नहीं गए? जवाब दीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी के कहने से मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मेरे आराध्य हैं। हाँ। और मेरी लड़ाई लंका के रावण से है। और सुनिए, लंका के रावण से है जिसकी जब तक चुनाव अच्छा, जब तक चुनाव होगा एक एक दर्शन करने होगी नहीं जाएंगे। उसमें लिखा था रावण पढ़ने फातिया पढ़ने मेरे साथ मुख्तार अंसारी कब्र पे फातिया पढ़ेंगे, चटायु थे ये राम के साथ जाम मंत्र थे, अंसारी के कब्र साथ सबरी पढ़ेंगे। अच्छा सुनिए, अगर आप दोनों एक साथ सुनिए, राजीव जी और शिवकांत जी आप दोनों यहीं की राजनीति करते हैं, एक एक करके बोलेंगे तो लोग आपकी आवाज सुन पाएंगे। पहले वो खत्म करें फिर आप। ये तब बोलेंगे जब ये बोलने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। आपका कहना है कि इन्होंने निमंत्रण भेजा इसलिए नहीं जाएंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ। हाँ। कि मैं राम का अनुयायी हूँ। हाँ ठीक है, मेरे साथ सबरी है। हाँ। मेरे साथ जटायु है। हाँ। मेरे साथ जामवंत है और ये रावण है, इनके पास सोने की लंका है, इन पे संसाधन है, रामायण में एक चौपाई है। हाँ। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, हम बिना रथ के हैं, भगवान श्री राम की कृपा से अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जवाब 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 एक बार इनके बड़े नेता से जय श्री राम का नारा बुलवा दीजिए, मन जाएंगे इनको। केवल जय श्री राम में बोलूंगा, जय श्री अकबर भी बोलूंगा, एक बार जय श्री राम बोलूंगा। ठीक है, अब मैं एक बार जनता देखिए बड़ी 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 बड़े मुद्दों की बात होनी चाहिए। एक मिनट जवाब देना चाहिए ना, इसके बाद जनता बात होनी चाहिए तो इसी एक मिनट जवाब देना चाहिए। आपने बोला ना, आपने बोल लिया, मैं इसके बाद बात करें। एक मिनट बात करें, शिक्षा पे बात करें, स्वास्थ्य पे बात करें, सम्मान पे बात करें, एक बात करें, रोजगार पे बात करें। राजीव जी सुन तो लीजिए, दर्शन करने नहीं जाएंगे, मुख्तार अब्बास मुख्तार अंसारी की कब्र पे फातिया पढ़ने जाएंगे। अच्छा, माफिया की माफिया के पास, माफियाओं का मुद्दा। एक मिनट थोड़ा जगह दीजिए, जगह दीजिए। हाँ भैया, क्या नाम है? लल्ला भैया। हाँ भैया, हाँ भैया, मुझे तो बहुत कुछ है। क्या है बताइए जरा। के लिए कोई भाजपा हल नहीं कर सकती इस चीज को। अच्छा, ठीक है, नहीं हल कर सकती भाजपा, बताइए। यहाँ पे कुछ वही नहीं है, 400 पार वो तो हर आदमी चल जाता है, कोई जो बेड अपने खट्टे नहीं बताएगी। ठीक है।